हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त उदय शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल उदय कॉमर्स विस्तार पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताया था कि कैसे हम मैनेजमेंट फंक्शंस को फॉलो करते हुए अपने जो मेन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स या ऑब्जेक्टिव है उन्हें कैसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है, और आज आपका सेकेंड यूनिट है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपके तीन चार प्रिंसिपल्स जैसे फ्योल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, हेनरी और FW टेलर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको सीखना पढ़ना और जानना है। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एग्जैक्टली होते क्या। ठीक भाई, किसी भी चीज की डेप्थ नॉलेज के पहले सबसे पहले उसका हम मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, वैसे आज यहाँ भी मेन कॉन्सेप्ट की बारी बात बताऊंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले चीज, प्रिंसिपल्स का मतलब एक ऐसे फंडामेंटल ट्रुथ से होता है या एक ऐसे फंडामेंटल स्टेटमेंट ट्रुथ से होता है जो कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो फिनोमिनन यानी जो मेथड्स और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी जो भी यूज की जाती है उसको जब कंबाइन करता है तो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और एक चीज, प्रिंसिपल्स कभी एक दिन में नहीं बनते, प्रिंसिपल्स एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। बंदा जब एक्सपीरियंस लेता है, जब अच्छे खासे उस पर प्रैक्टिस कर लेता है, तब उसको एक प्रिंसिपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, सॉरी। तो अब मेन चीज है कि प्रिंसिपल आखिरी है क्या, तो आइए देखते हैं। प्रिंसिपल एक स्टेटमेंट है जिसमें कि फंडामेंटल ट्रुथ रिफ्लेक्ट होती है, यानी समझ में आती है कि हम अगर कोई चीज कर रहे हैं एग्जैक्टली तो वो किस बेस पर है। ठीक है, और दूसरी चीज है ये एक फिनोमिनन के बारे में होती है। फिनोमिनन का मतलब होता है मेथड या टेक्निक या फिर एक आर्ट या साइंस जिसके थ्रू हम वो चीज पर्टिकुलर चीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और फिर है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम कुछ भी करते हैं सो कोई ना कोई कारण होता है और सो कोई ना कोई असर दिखाई देता है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप आता है उसी को हम प्रिंसिपल्स में डालते हैं। जैसे मान लो मैनेजमेंट में आपका है, मान लो आपको किसी से काम लेना है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते थे कि डरा धमका करके और गुंडाई से काम हो जाता था, लेकिन आज ऐसा है, आज नहीं। आज आप किसी भी लेबर के साथ गुंडाई करके देखो, डरा धमका के देखो, वो सीधा आपको मुंह पे कह के जाएगा, भैया कायदे से बोलो, प्यार से बोलो तो करेंगे, वरना जाओ। क्योंकि हम अपना जो पावर है, लेबर पावर, उसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेबर एक्ट के थ्रू हमें क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, हम सब जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए। अब आइए देखते हैं हमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ, एक चीज और, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो जनरल गाइडलाइंस होती है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये सारी चीजें आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है। ठीक है, तो लेट्स कैरी योर फॉरवर्ड विद दिस। एंड द सेकंड थिंग इज कि अब हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तो हमने बात कर ली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी एक साइंस होती है। ठीक, और अब प्योर साइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई मैनेजमेंट साइंस और प्योर साइंस जब आपस में कंपेयर की जाती है तो कौन सा भारी पड़ता है, कौन सा हल्का पड़ता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंस जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसे छोटा बड़ा लंबा और छोटा, मतलब लंबा और कम समय का, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, स्मॉल बिग सारी चीजें में हम उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं वो रिजिड होती हैं, वो इनफ्लेक्सिबल होती है, आप उनमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते, आपको वही चीजें और तो कहते हैं डिक्टो कॉपी करनी पड़ती है जैसा कि आपने मतलब पढ़ा था या जैसा कि प्रोपाउंड किया जा चुका है। ठीक है, फिर सेकंड है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो एग्जैक्टली क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई की जाती है, यानी मैंने कहा ना फ्लेक्सिबल होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि वहां पे आप अपनी भी क्रिएटिविटी उस पर डाल सकते हो, उसको अपने तरीके से भी उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे फॉलो या अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स हैं या रिजिड प्रिंसिपल्स हैं वो फिक्स होते हैं, आप उनमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते। अब जैसे ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर लो, वो भी एक साइंस प्रिंसिपल ही है कि जब ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जब वो अपनी तरफ सब चीज को खींचता है। ठीक है, यानी जब आप देखते हो कि आप छत से कोई चीज छोड़ते होगे तो वो सीधे नीचे आती है ना, ऊपर क्यों नहीं जाती, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उसे नीचे खींचता है। ये भी एक साइंस है और ये फिक्स है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, भाई कि ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करें तो उसमें हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस, यानी उसमें अमेंडमेंट्स ला सकते हैं।
ठीक, अपने अकॉर्डिंग से तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर है एक चीज और कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, उनको सिनेरियो यानी एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ उनको कंधे से कंधा यानी पेस बनाना पड़ता है, शोल्डर मैचिंग करनी पड़ती है। यानी अगर आप जैसे है ना कि टेक्नोलॉजी का चेंजेस आते रहते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस आते रहते हैं और बाकी चीजों के चेंजेस आते रहते हैं, वैसे ही अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कहते हैं ना कि समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। तो समाज जिस चीज को अडॉप्ट करता है आपको भी उस चीज को अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसी चीज है जिनमें आए दिन कोई ना कोई चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग टू फैशन, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड या अकॉर्डिंग टू एरा, सब कुछ उसमें चेंज होता रहता है। लेकिन प्योर साइंस प्रिंसिपल्स में ऐसा नहीं होता। प्योर साइंस प्रिंसिपल एक बार जो बन गए तो बन गए, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। जैसे इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर जितने भी साइंस वाले वो जान जाएंगे जो मेरा वीडियो देखेंगे। और अगर मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे आए दिन कोई ना कोई चेंज होता रहता है, कोई ना कोई नई थ्योरी निकलती रहती है, उसको हम सब लोग हाँ मतलब ओके कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसी पे आगे हमारा कारमा चलता रहता है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में जो ऑलरेडी फाउंड हो चुका है, जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिल चुका है, हम उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, ठीक। हाँ, उसमें डी स्टडी जरूर की जा सकती है, ठीक है। अगला है इसमें, अब आइए बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। हमने डिफरेंस देख लिया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस अपडेट। वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। भाई मैनेजमेंट को हमने जान लिया, पहचान लिया, सब कुछ कर लिया। अब आइए देखते हैं कि इनको कैसे पहचाना जा सकता है एग्जैक्टली, इनके फीचर्स क्या है, हाउ दे आर रिकॉग्नाइज्ड। वेरी फर्स्ट थिंग इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी परवेसिव इन नेचर। जो मैंने फर्स्ट यूनिट में भी आपको यही समझाया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हो या जस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस हो, वो एक परवेसिव प्रोसेस है, एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस उसको है कि हाँ भाई जो एक जेन्युइन जो मैनेजमेंट तरीका होता है वो हर जगह फॉलो किया जाता है, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, घर हो या कोई जगह हो, यानी सोशल प्लेस हो, ठीक। सेकेंड है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब है कि आपके जितने भी ये हैं क्या कहते हैं वे ऑफ कंट्रोलिंग है, वो एक पर्टिकुलर किसी एक उस पर है, जनरल पैटर्न या जनरल सोच पे डिपेंड करती है। अब जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को आपको टर्मिनेट करना है या उसको स्विचिंग करनी है या कुछ भी और है, तो वो भी तो मैनेजमेंट का ही पार्ट है ना। तो वहां पे उसे कितने टाइम दिया, उसको अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उसका है तो उसको कितने कितने टाइम इंटरवल पे आपको वो लेना है, मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको भेजना है या उसकी स्विचिंग है या उसको किसी और डिपार्टमेंट में सेंड करना है, तो वो तुरंत होता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है कि पहले उसको डिपार्टमेंट में रख के देखते हैं, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको वहीं रखेंगे, वरना अगर उसने थोड़ा सा मतलब अगर उसकी वजह से कुछ भी लॉस या डैमेज होता है तो उसे उठा करके दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तीसरा है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल जो भी मैंने इसकी स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करता है। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है कि हर बार जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा और उस एक्सपीरियंस के ही बेस पे हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बेस करते हैं, ठीक है। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने पहले कहा था कि जैसे प्योर साइंस प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करें तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हम उनमें अपने अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उनको छोटा बड़ा नाटा मोटा मतलब तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब उसकी उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फिर बिहेवियर इन नेचर। आपके जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो जो भी आपके नीचे एम्प्लॉयज उनके बिहेवियर को गाइड करने के लिए बनाए जाते हैं कि आपको कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मोल्ड कर दिया, ऐसे मोल्ड किया जाता है आप ना चाहते हुए भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं और उनके लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार कर देते हैं, ठीक। तो वही मेन चीज है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने नीचे वालों से कैसे काम करवाएंगे, उनके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो मेन आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे जाता है, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल लू तो उसमें मेन हमारा कहेगा कि हाँ जैसे मान लीजिए अब अगर अपने नीचे एम्प्लॉयज को हमेशा कहते हैं ना पटा के रखना है, एकदम सॉफ्टली उनके साथ डील करना है, तो आप उनसे ज्यादा देर तक ज्यादा लंबा काम ले पाओगे। लेकिन अगर आप उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हो
तो रॉ मटेरियल यूज करने की वजह से आप उनके साथ रूडली बिहेव करोगे, रूडली उनके साथ एक्टिविटीज करोगे, तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा, ठीक, वो आपके फेवर में नहीं जाने वाला, ठीक है। फिर है अगला है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसके बारे में हमने पहले बताया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसी न किसी कारण से बनते हैं और उनका इफेक्ट सोसाइटी पे और बिजनेस पे दोनों पे बराबर देखा जाता है, ठीक है। बिजनेस पे इस तरीके से कि अगर आप अपने नीचे वालों से प्रॉपरली बात कर ले रहे हैं, उनके साथ सॉफ्टली डील कर ले रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को बहुत लंबा ले जा सकते हैं। और सोसाइटी को अगर आपके ऑपरेशंस की वजह से अगर सोसाइटी डैमेज हो रही है और आप उसको इग्नोर करते चले जा रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सोसाइटी आपको उठा के बाहर फेंक देगी, मतलब आपके बिजनेस को, वो कहते हैं ना कि इस तरीके से वो कहते हैं छोड़ देगी एकदम से, मतलब इसे कहते हैं ना त्याग देना एकदम, दे विल जस्ट किक यू ऑफ द मार्केट, मार्केट से आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। और लास्ट है कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्लेस या फिर प्रॉब्लम विच यू आर गोइंग टू फेस, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन सारी चीजों पर बेस करते हैं कि कैसे कहाँ किस तरीके से बिहेव करना है, कितना बिहेव करना है, कि हम बड़े आसानी से उसे जान जाए, पहचान जाए और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट भी कर पाए, ठीक है। तो अब आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ अगला टॉपिक है, और वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अगर इम्पोर्टेंस ना पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, उसके बाद चलेंगे उसके और, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अब अगली हेडिंग जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। इसमें मेन आपके सात इम्पोर्टेंसेस हैं, देन लेट्स दिस इज अबाउट दैट। पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इन रियलिटी। अब अगर मैं एक एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने, अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप जो भी करोगे वो गलत हो सकता है, ठीक। क्योंकि कहते हैं ना पहली बार जब कोई फर्स्ट टाइमर होता है तो फर्स्ट टाइमर में गलतियों के चांसेस ज्यादा देखे जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपके पास उसी फर्स्ट टाइमर अटेम्प्ट में अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हो, जिनको रीड आउट करके, जिनको स्टडी करके आप अपने उस फर्स्ट टाइमर मिस्टेक को मिनिमम बना सकते हैं, तो क्या वो गलत होगा? बिल्कुल नहीं। तो वही कह रहा है कि अगर आपके पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पहले से ही मौजूद हैं, जिनमें ये लिखा गया है कि ये मतलब इस पर्टिकुलर एक्शन को लेने पे ये इफेक्ट जाएगा, इस पर्टिकुलर एक्शन को लेने पे ये इफेक्ट जाएगा, उसका ये कॉज हो सकता है, उसका ये इफेक्ट होगा, जब आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर एक्शन पे ऐसा कंसिक्वेंस देखना पड़ सकता है, तो आप उससे बचेंगे, ठीक। लेकिन अगर आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं है तो आप फिर उसको कहते हैं ना कि लेट्स डू इट, मतलब करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक चीज और जान लीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइमर है, आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर डैमेज होता है तो वो डैमेज कभी कभी बहुत बड़ा भी होता है, छोटा डैमेज नहीं होता, ठीक। तो उस बड़े डैमेज की वजह से कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, उस नुकसान से बचने के लिए आप जो है जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उन्हें रिव्यू करते हैं, और उस रिव्यू के बाद आप अपने एक्शन प्लान्स को जो है एक्शन में लाते हो, ठीक है। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि थ्रू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप ही जान जाते हो कि हमें कौन सा मैन पावर कितना यूज करना है, कहाँ यूज करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का में सिर्फ मैन पावर ही नहीं है, फाइनेंशियल पावर है, रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेज है, लैंड है, प्रमाइसेज है, आप उन सब का जितने भी फैक्टर्स और प्रोडक्शन है पूरे उन सब को ऑप्टिमली यूज कर पाते, कोई वेस्टेज नहीं होने पाता, और अगर वेस्टेज मान लीजिए होता भी है तो बहुत ही नेग्लिजिबल वेस्टेज होता है। और ये सारी चीजें आपको प्रिंसिपल सिखाते हैं जो कि एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस से पाए जाते हैं। तो भाई जिस बंदे ने मतलब जिस पर्टिकुलर राइटर ने आपको अगर प्रिंसिपल्स दिए हैं तो उसने भी तो कहीं ना कहीं ये ट्रायल एंड एरर मेथड खेला ही होगा, तभी तो उसने जो है ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा आएगा, मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा कॉस्ट, ऐसे कॉस्ट पे हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वो आपके लिए एक हेल्पलाइन होती है, प्लस एक गाइडलाइन होती है कि वी हैव टू डू दिस एंड डू दैट एंड वी हैव टू डू दिस एंड वी हैव नॉट टू डू दिस इन दी सिचुएशन, ठीक है। साइंटिफिक डिसीजन इस वजह से, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैनेजमेंट अपने में साइंस भी है और आर्ट भी है। अगर साइंस देखा जाए
तो रेगुलर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम एक प्रिंसिपल्स पाते हैं और डिसीजन जो लेते हैं वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड लॉजिकल डिसीजन होते हैं। हम वहां पे कोई लकीर के फकीर नहीं बनते कि हाँ जो आगे ठीक है, नहीं, हम कहते हैं भाई उसको बार बार कोशिश करेंगे, बार बार उसको ट्राई करेंगे, कभी ना कभी तो सही आएगा आंसर, कभी ना कभी तो सही चीज होगी। तो वो चीज हमारे यहाँ पैटर्न बन जाता है कि साइंटिफिक डिसीजन इस पे बेस करते हैं। ठीक, वेटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट, बिल्कुल मैनेजमेंट ये कहता है कि जैसा सिनेरियो हो वैसा बिहेव करना चाहिए। आप अगर अपनी रिजिडिटी यानी कंजर्वेटिव, जिसे कहते हैं रूढ़िवादी सोच, अगर आप लेके बैठे रहेंगे तो आप सोसाइटी प्लस मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक, चाहे वो कोई फैमिली हो या कोई बिजनेस हो या कोई सिंगल बंदा हो, अगर वो अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं बनाता यानी चेंजिंग एनवायरमेंट के थ्रू अपने आप को एडजस्ट नहीं करता तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, अगला है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सिर्फ इतना है कि अगर भाई अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं है तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, जिसे हम लोअर लेवल भी कहते हैं, वो लोग अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अब ऑलरेडी जैसे हेनरी फ्यूअल है, F.W. टेलर है, और भी कई सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फाउंडर्स हैं, उन्होंने अपने अपने वो है रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जिसमें कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ ऑर्डर, यूनिटी ऑफ हायरार्की, सॉरी नॉट हायरार्की, हाँ प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ ऑर्डर है। मतलब अगर किसी एक इंसान से अगर ऑर्डर सबको मिले तो वो इजी होता है फॉलो करना, लेकिन अगर एक ही इंसान को हर कोई ऑर्डर दे, अपना अपना काम करवाए, तो वो तो बेचारा वहीं बैठ जाएगा, कहेगा इनका करूं, इनका करूं या इनका करूं। ठीक, लेकिन अगर तीन एम्प्लॉयज है और एक बॉस है, उसने एक ऑर्डर कर दिया तीनों को ये काम करना है, या तीनों को अलग अलग ऑर्डर दे दिया कि हाँ तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तो वो तीनों अपने काम में लग जाएंगे। ठीक, लेकिन तीन बॉस मिलकर के एक सबऑर्डिनेट को अगर ऑर्डर करेंगे तो वो किसी का भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि एक एम्प्लॉय और तीन बॉस, ठीक, इन तीनों ने ऑर्डर दे दिया इसको, अब ये बेचारा फंसा कि मैं इनका काम करूं पहले कि इनका करूं कि इनका करूं, तो वो कहता मैं किसी का नहीं करूंगा, जाओ ना, तुम तीनों नाराज हो जाओगे कि सारा मेरा नहीं किया, उसका नहीं किया, उसका नहीं किया, उसका नहीं किया। और अगर उल्टा कर दिया जाए कि एक बॉस हो और तीन सबऑर्डिनेट हो, इसको भी देगा ऑर्डर, इसको भी देगा ऑर्डर, इसको भी देगा ऑर्डर, तीनों अपना काम शुरू कर देंगे, ये अपना आराम से बैठेंगे। ठीक है, अगला है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस से क्या होती है भाई? सोशल वेलफेयर करना, आपके आसपास के जो लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट करना सोसाइटली और इकोनॉमिकली, और फिर उन्हें बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराना, और सबसे बड़ी चीज आपके बिजनेस ऑपरेशन से सोसाइटी को डैमेज या लॉस ना हो, इसको भी एंश्योर करना। ठीक, और एक चीज और कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक चीज और ऐड हो जाएगी कि आप अपने एम्प्लॉयज को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं, या उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट मानते हैं, एसेट मानते हुए उन्हें एब्जॉर्ब करके रखे रहते हैं। अगर आप उन्हें रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं, दे विल स्विच ऑन टू सम लास्ट। ठीक, एंड लास्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू आपके जो जितने भी मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए ये है हेनरी फ्यूअल है, इनकी थ्योरीज है, अच्छी खासी थ्योरीज है इनकी, इनके थ्रू मतलब इन्होंने लगभग अपनी थ्योरी में 15 पॉइंट्स को जो है पुटअप किया है, जो मैं करके लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इन्होंने किस तरीके से ये बताया कि मैनेजमेंट के थ्रू हम या अपने नीचे वालों को कैसे उनसे काम करवा सकते हैं और कैसे उनसे बेस्ट आउटपुट उनसे निकलवाया जा सकता है। ठीक है, एजुकेशन है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई जो भी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है बिजनेस का, उसको सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अच्छी खासी जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो भी उसका एक एजुकेशन का पार्ट है कि आप उन्हें ट्रेन कीजिए, सारे प्रिंसिपल्स के बारे में बताइए और बताने के बाद उनसे काम कीजिए। ठीक, लास्ट इज रिसर्च। रिसर्च का मतलब है कि भाई कि मैनेजमेंट में आए दिन कोई ना कोई चेंज होता रहता है, तो उसमें हम क्या नया निकालें या क्या नया प्रोसीजर फॉलो करें कि हमारा काम इजी भी हो जाए, जल्दी भी हो जाए और कोई वेस्टेज भी ना हो। ठीक, और सबसे बड़ी चीज क्वालिटी मेंटेनेंस भी रहे, क्वांटिटी भले ना हो लेकिन क्वालिटी मेंटेनेंस हो जाए। ठीक है, तो आज इतने पे ही बंद कर रहा हूँ, कल अगले लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ और कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी आपके सामने रखूंगा। तब तक ये इसको देखिए, समझिए, जानिए, और अपने कोई डाउट हो तो इस वीडियो क्लास में आप पोस्ट कर सकते हैं। तब तक लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डू टेक योर केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल उज्जवल कॉमर्स विस्टा।
फॉर मोर कॉमर्स एंड अदर सब्जेक्ट रिलेटेड अपडेट्स. थैंक यू सो मच.